हेलो एवरीवन वेलकम टू कौन स्टडी जेके एस एस पी क्लास फोर की रीजनिंग का ये थर्ड लेक्चर है फर्स्ट टू लेक्चर्स में वेन डायग्राम्स डिस्कस किया था आज के इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक डायरेक्शन सेंस सो ट्वेंटी मार्क्स आपके हंड्रेड में से जो है वो रीजनिंग के है तो रीजनिंग को भी ऐसे लाइटली नहीं लेना है इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए सो दैट ये ट्वेंटी मार्क्स तो आपके शॉर्ट शॉर्ट हंड्रेड में से आएंगे ही ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ जैसे कि आप लोग क्लास फोर जेके एस एस बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने क्या करना है हमारा ये चैनल है कौन स्टडी इसकी प्ले लिस्ट आप में जाना है ठीक है वहाँ पर ये प्ले लिस्ट आपको दिखेगी जे के एस एस बी क्लास फोर जनरल अवेयरनेस मैथ्स रीजनिंग ठीक है ये आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी इन प्ले लिस्ट पर क्लिक करके आपने सारे लेक्चर्स जो है वो अटेंड करने हैं सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्शन सेंस टू टॉपिक है so, इसमें आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि एक पर्सन है जो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था देन ही टूक अ राइट टर्न और इतना डिस्टेंस चल लिया देन अ लेफ़्ट टर्न देन अ राइट कुछ इस तरह से आपको गिवन होगा क्वेश्चन और आपको बताना है फाइनली वो पर्सन जो है वो किस डायरेक्शन में फ़ेस कर रहा है या आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे अभी वो पर्सन है वो किस डायरेक्शन में है या कितने डिस्टेंस पे है तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्शन सेंस पर बनते हैं सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से इवन इफ आपने कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे या आप फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बेसिक से ही हमेशा स्टार्ट करेंगे सी so हमें पता है कि बेसिक डायरेक्शंस हैं वो फोर है और आज की वीडियो में हम इसी बेसिक पे ही क्वेश्चन करेंगे एंड देन सेकेंड लेक्चर में एक लेवल अप जाएंगे सो एज़ यू नो कि चार बेसिक डायरेक्शन्स होती है देर इज़ नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एंड वेस्ट हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने इस ही तरह से इसको साइड पे बना लेना है या माइंड में रखना है जैसे भी आप चाहते हैं और अभी जो मैं बेसिक पॉइंट्स बता रही हूँ इनको आप ज़रूर अपनी नोटबुक पे एक बारी नोट करके रखिए सो दैट जब भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है इन पॉइंट्स को रेफर करके इनको माइंड में रख के ही क्वेश्चन सोल्व होगा कोई भी डायरेक्शन है उनके बीच में जो ये एंगल है ये आपका हमेशा ही नाइन्टी डिग्रीज़ का होगा चाहे वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है ईस्ट या साउथ वेस्ट या साउथ हो गया या फिर नॉर्थ या वेस्ट इनके बीच का जो एंगल है नाइन्टी डिग्रीज़ आई नो आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे बीच में एक डायरेक्शन बनती है नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट तो ये डायरेक्शंस जो है ये मैं अपने सेकंड क्लास में जो है कवर करूँगी ठीक है पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये जो डायरेक्शन है आपने ऐसे ही बनानी है कि ऊपर आपका नॉर्थ आएगा और उसके ऑपोजिट नीचे साउथ बनाना है राइट right साइड पे आपने ईस्ट बनाना है एंड लेफ्ट साइड पे आपने वेस्ट बनाना है बस ये आपने याद रखना है तो जैसे मैं बता रही थी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से गिवन होता है कि अगर एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है देन ही टेक्स से राइट टर्न देन ही टेक्स से लेफ्ट टर्न तो ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ जा रहा है तो राइट right टर्न आपका इधर आ रहा है अगर पर्सन जो है वो साउथ की ओर जा रहा है तो आपका राइट right टर्न जो है वो ऐसे आएगा आपके पेज पे वो लेफ़्ट साइड होगा बट उस पर्सन के लिए जो साउथ जा रहा था दिस वुड बी द राइट टर्न तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बहुत बेसिक सा इसका एक तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ सो देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लॉक इसका मतलब तो सबको पता है हम सब जानते हैं अगर हमारे पास एक घड़ी है क्लॉक है तो so, उसमें क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाते हैं यहाँ पे आपका ट्वेल्व होता है राइट यहाँ सिक्स होता है ठीक है ये आपकी क्लॉक है तो कैसे जाते हैंड्स ट्वेल्व से थ्री की ओर जाते हैं फिर ये डायरेक्शन रहती है राइट ये आपकी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होती है तो जब भी राइट right टर्न की बात की जाएगी डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन में आपको ये वाली जो फिगर है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस फिगर में राइट right टर्न लेना है अगर तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाना है आपको अगली डायरेक्शन जो है पर्सन की पता चल जाएगी कैसे सी तो कैसे पता चलेगा अगर पर्सन जो है वो आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है एंड ही टेक्स ए राइट टर्न राइट टर्न उसका ईस्ट की तरफ आएगा क्यू क्योंकि जब नॉर्थ से आपने क्लाक जाना है है ना क्लॉक की डायरेक्शन में तो वो ईस्ट आता है उसी तरह से अगर जो पर्सन है वो ईस्ट की ओर जा रहा था एंड ही टेक्स ए राइट टर्न तो ईस्ट से क्लॉकवाइज क्या आता है साउथ तो जो पर्सन है वो ईस्ट से फिर साउथ डायरेक्शन में जाने लग जाएगा उसी तरह अगर आप देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ एंड देन ही टेक्स ए राइट टर्न तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी उसकी राइट right टर्न के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब साउथ से क्लॉकवाइज़ देखो तो क्या आता है वेस्ट है ना वेस्ट आता है तो यानी ये पर्सन भी राइट टर्न लेके वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगेगा उसी तरह से अगर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्लॉकवाइज हमारा नॉर्थ आता है तो वेस्ट से जब राइट right टर्न लेगा तो पर्सन जाएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में ठीक है ये बहुत ही ईजी ट्रिक है इसको याद रखने की इसको आप अपनी नोटबुक पे जो है नोट कर लीजिए अगर आप जनरली देखो आपको करना क्या होता है इन क्वेश्चंस में यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ आप नॉर्थ जा रहे हैं आपका राइट आएगा इधर ठीक है अगर आप ईस्ट जा रहे हैं आपका राइट आएगा इधर क्योंकि आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है अगर आप अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हैं तो अगर आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप साउथ की ओर जा रहे हैं तो आपका जो राइट right है ना वो वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है इफ़ आर मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड यू टेक अ राइट टर्न तो वो जाता है नॉर्थ की तरफ ठीक है ये तो बात होगी आपके राइट right टर्न की एक तरीका क्या था यू इमेजिन योर कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो राइट टर्न ईस्ट आएगा बट कुछ लोगों को ये तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है इसीलिए मैंने ये जो क्लॉक वाला मेथड बताया था आप उसको याद रख सकते हैं एंड बहुत इजीली जो ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे ये अभी हमने क्या बात की राइट right टर्न की आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं राइट टर्न व्हाट इफ़ द पर्सन टेक्स अ लेफ्ट टर्न तो क्या होगा अब वो देखते हैं राइट right टर्न के केस में हमें पता था कि हमें जो है डायरेक्शन कैसे मिल जाएंगी क्लॉकवाइज जाएंगे हम इस फिगर में एंड वी विल नो कि उस पर्सन की डायरेक्शन जो चेंज हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई उसी तरह से लेफ्ट के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं है क्लॉकवाइज का उल्टा तो अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे एंड यू टेक अ लेफ्ट टर्न तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी वेस्ट अगर जो पर्सन है वो वेस्ट की ओर जा रहा था एंड ही टेक्स अ लेफ़्ट टर्न तो साउथ उसी तरह से ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ये आप नोट कर लीजिए सो जस्ट सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट जैसे हमने राइट right टर्न वाले में देखा था उसी तरह से लेफ्ट टर्न वाले में भी देखते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू वर्ड्स नॉर्थ एंड यू टेक अ लेफ्ट टर्न या फिर क्वेश्चन में गिवन है कि पर्सन इज गोइंग टू वर्ड्स नॉर्थ एंड ही टेक्स और लेफ्ट टर्न तो लेफ्ट टर्न आपका किस साइड आएगा अगर आप देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट होता है तो आपका ये वेस्ट की तरफ चलने लग जाएगा ठीक है उसी तरह से अगर पर्सन जो है आपका वेस्ट की तरफ जा रहा था एंड ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न तो एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में आप देखो साउथ पड़ता है तो ये पर्सन कहाँ जाएगा साउथ की तरफ ठीक है सिमिलरली इफ़ द पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ और वो लेफ्ट टर्न लेता है तो लेफ्ट टर्न आपका एंटी क्लॉकवाइज में क्या पड़ेगा ईस्ट तो वो कहाँ जाएगा ईस्ट की तरफ तो ये जो आपकी चार डायरेक्शन ऐसे बनती है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो इनको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको बस ये याद रखना है कि ये चार डायरेक्शन्स इस तरह से बनेंगी एंड एक चीज़ याद रखनी है कि राइट right टर्न के लिए क्लाक लेफ़्ट के लिए एंटी क्लाक बस ये दो तीन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं और आपके डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस बहुत इजीली और करेक्टली आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर लोगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मोर तो एक पॉइंट रह गया था अगर पोस्टन जो है वो जा रहा है ईस्ट की तरफ एंड ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखो तो क्या है नॉर्थ राइट right? तो ये पर्सन कहाँ जाएगा नॉर्थ की तरफ तो so ये अभी तक मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए ये सारे आपने अगर नोट किए हैं खुद ड्रॉ करके देखे हैं तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से अब सॉल्व कर पाओगे ठीक है एक एग्जाम्पल देखते हैं अगर एक पर्सन है आपको गिवन कि वो जा रहा था नॉर्थ की तरफ और फिर उसने क्या किया एक राइट right टर्न लिया और फिर एक लेफ्ट टर्न लिया ठीक है द पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टेक्स वन राइट टर्न एंड देन वन लेफ्ट टर्न तो उसकी फाइनल डायरेक्शन वो पर्सन किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है ये कैसे करेंगे तो ये था आपका पर्सन जो जा रहा है नॉर्थ की तरफ ठीक है आपको पता है ये नॉर्थ होता है अपवर्ड्स डायरेक्शन में और नॉर्थ से उसने राइट टर्न लेना है राइट टर्न कैसे होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि अब वो पर्सन कहाँ जा रहा है राइट टर्न लेने के बाद राइट टर्न लेने के बाद वो जाएगा ईस्ट की तरफ और फिर वहां से उसने लिया एक लेफ्ट टर्न तो लेफ्ट टर्न के लिए क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज देखना ईस्ट से ही अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखो तो क्या होता है नॉर्थ डायरेक्शन तो यानी वो वापस नॉर्थ की ओर जाने लग जाएगा तो आपका फाइनल आंसर इसका क्या आएगा कि पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ एक और एग्जांपल देखते हैं अगर जो आपका पर्सन है वो जा रहा था वेस्ट की तरफ एंड देन ही टेक्स राइट टर्न एंड देन अगेन ही टेक्स ए राइट टर्न तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये जो पर्सन है आपका जा रहा है वेस्ट की तरफ राइट टर्न लेगा तो क्या क्लॉकवाइज देखना है क्लॉकवाइज क्या होता है डायरेक्शन ये होती है नॉर्थ ठीक है तो राइट टर्न लेके वो जाएगा नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ से भी क्लॉकवाइज देखो तो क्या होता है ईस्ट तो यानी जब वो एक और राइट right टर्न लेगा तो वो जाएगा ईस्ट की तरफ तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा ईस्ट तो ये तो कुछ बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल्स थी जिससे थोड़ा कंसेप्ट आपको आई होप और क्लियर हो गया होगा सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आ सकते हैं सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ पर्सन वॉकड ट्वेल्व मीटर नॉर्थ यानी इस पॉइंट से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो जो ट्वेल्व मीटर उसने है नॉर्थ डायरेक्शन में चला कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो और आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ये जो डाइग्राम है साउथ वेस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ ये आपने बना लेनी है और फिर आपका क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा सो लेट्स सी 12 मीटर वो गया कहाँ नॉर्थ उसके बाद ही टर्नड राइट राइट टर्न कैसे आता है आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं राइट टर्न के लिए तो ईस्ट आएगा तो ये पर्सन कहाँ चला गया ईस्ट की ओर जाने लग गया और कितना डिस्टेंस उसने चला टेन मीटर तो ये हमने यहाँ बना लिया टेन मीटर उसके बाद लिखा है ही अगेन टर्नड राइट एक और राइट टर्न यानी दोबारा क्लॉक डायरेक्शन में देखेंगे अभी ईस्ट में जा रहा था और अब कहाँ जाएगा वो साउथ की ओर और साउथ जाके उसने कितना डिस्टेंस चल लिया ट्वेल्व मीटर राइट उसके आगे लिखा है देन ही टर्नड लेफ्ट एंड वॉक फाइव मीटर अब लेफ़्ट टर्न लिया लेफ्ट टर्न के लिए मैंने बताया था आपको जाना है एंटी क्लॉक अगर वो साउथ की ओर जा रहा था तो एंटी क्लॉक क्या होगा आपका ईस्ट तो अब वो ईस्ट की तरफ जाने लग जाएगा एंड कितना डिस्टेंस चलेगा पाँच सो फाइनली जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो क्या पूछा गया है हाउ फार इज़ ही नाउ

तो यानी ये डिस्टेंस भी आपका टेन हो जाएगा और ये तो हमें गिवन था कि फ़ाइव उसने चला था इस डायरेक्शन में तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा टेन प्लस फाइव तो कितना हो गया आपका फ़िफ्टीन और डायरेक्शन क्या थी ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी ईस्ट यहाँ पे फिफ्टीन मीटर टूवर्ड्स ईस्ट तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू राम वॉक थर्टी मीटर टूवर्ड साउथ तो डायरेक्शन हम बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रेफरेंस के लिए थर्टी मीटर वो चला साउथ की तरफ दिस इज योर थर्टी मीटर साउथ और उसके बाद उसने क्या किया ही टर्न लेफ्ट साउथ से लेफ्ट टर्न कहाँ आएगा लेफ्ट के लिए हमेशा मैंने बोला था एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज यानी ईस्ट तो अब वो ईस्ट की तरफ जाने लग जाएगा और कितना डिस्टेंस चला उसने ट्वेंटी फाइव उसके बाद बोला कि ही टर्न लेफ्ट अब एक और लेफ्ट टर्न लेगा लेफ़्ट के लिए दोबारा से एंटी क्लॉक देखेंगे मतलब वो अब जाएगा नॉर्थ की तरफ और कितना डिस्टेंस चलेगा वापस थर्टी यानी ये पॉइंट्स जो है कुछ ऐसे इक्वल बनेंगे सो दैट ये करेक्ट बन जाए क्योंकि ये थर्टी और थर्टी बराबर है राइट तो क्वेश्चन पूछा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन स्टार्टिंग पोजिशन से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये आपका एंडिंग पॉइंट है तो आप जानते हो अगर ये रेक्टेंगल बन रहा था ये आपकी लेंथ थी थर्टी विथ थी ट्वेंटी फाइव तो आपका ये डिस्टेंस भी जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का ट्वेंटी फाइव हो जाएगा बट ट्वेंटी फाइव ईस्ट है या वेस्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या पूछा है ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट की रेफरेंस में क्या डायरेक्शन है एंड पॉइंट की तो इसके लिए वॉट यू कैन डू ऐसे तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है एंडिंग पॉइंट यहाँ है तो ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है बट स्टिल अगर किसी को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है आप क्या कर सकते हो सो वी नो कि इस दोनों में से ही कोई आंसर होगा और डायरेक्शन के लिए वॉट यू कैन डू इज यहाँ पर यू कैन मेक योर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन तो यहाँ से आपको पता चलता है कि पॉइंट किस तरफ है ईस्ट की तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ट्वेंटी फाइव मीटर क्योंकि ये भी ट्वेंटी फाइव था मैंने आपको बताया था और ये जो डॉटेड से हमने ज्वाइन किया था इट वॉज ऑल्सो ट्वेंटी फाइव तो आपका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव मीटर टूवर्ड्स ईस्ट सो लेट्स क्वेश्चन इसमें क्या दिया है अ मैन वॉक्स ट्वेंटी मीटर टूवर्ड्स साउथ ट्वेंटी मीटर उसने चला साउथ की तरफ उसके बाद उसने राइट टर्न लेके थर्टी मीटर चला राइट right टर्न क्या होता है अगर आप साउथ की ओर जा रहे हैं राइट इज़ ऑलवेज क्लाक तो क्लाक में वेस्ट हो जाता है तो अब वो वेस्ट की ओर मुड़ जाएगा एंड वो कितना डिस्टेंस चलेगा थर्टी देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स ट्वेंटी मीटर एक और लेफ़्ट टर्न लेगा लेफ़्ट टर्न के लिए हमें अब पता चल गया है कि लेफ़्ट टर्न के लिए हमें जाना है एंटी क्लाक तो जब वेस्ट से एंटी क्लाक देखोगे तो साउथ डायरेक्शन बनती है तो यहाँ से उसने कहाँ जाना है अब साउथ की तरफ और कितना डिस्टेंस चलना है ट्वेंटी मीटर सो अगेन टर्निंग टू हिज लेफ़्ट ही वॉक्स थर्टी अब यहाँ से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया दोबारा साउथ से लेफ्ट टर्न यानी एंटी क्लॉक वाइज ईस्ट आता है तो वो ईस्ट की तरफ जाने लगेगा और थर्टी मीटर चलेगा सो so, अगर आप ध्यान से देखो ये जो थर्टी मीटर है और ये जो थर्टी मीटर है ठीक है इसकी वजह से यहाँ पे एक रेक्टैंगल बन सकता है जिसकी एक साइड जिसकी जो लेंथ है वो थर्टी है विथ जो है ट्वेंटी यानी ये डिस्टेंस भी ट्वेंटी हो जाएगा इस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक क्वेश्चन में क्या पूछा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था एंड दिस इज़ वेयर द पर्सन इज राइट नाउ तो डिस्टेंस पूछा है डायरेक्शन पूछी ही नहीं इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी क्योंकि हमें ये पूरा डिस्टेंस देखना है सो आंसर इज ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ठीक है आंसर आपका आ गया फोर्टी मीटर ऑप्शन में देखते हैं ये नहीं है ट्वेंटी एट्टी सिक्सटी कोई भी ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसमें लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर इसमें क्या दिया है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स टेन किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन तो क्वेश्चन सॉल्व करने से हमेशा पहले हमने ये जो फिगर है ये बना ली हाउस से स्टार्ट किया उसने तो ये उस पर्सन का जो हाउस था ठीक है टेन किलोमीटर कहाँ चला वो साउथ की ओर तो ये आपका टेन किलोमीटर जो है साउथ डायरेक्शन की तरफ चल गया वो उसके बाद बोला ही टर्न्स राइट एंड गो सिक्स किलोमीटर अगर पर्सन साउथ की तरफ जा रहा है एंड ही टेक्स ए राइट टर्न तो राइट right टर्न के लिए हमेशा क्लॉक देखना है सो दिस इज योर क्लॉक डायरेक्शन अब वो पर्सन जाएगा वेस्ट की तरफ यहाँ से वो जाएगा वेस्ट की तरफ और कितना चलेगा सिक्स उसके बाद बोला ही अगेन ही टर्नस राइट एंड गोज़ टेन किलोमीटर तो दोबारा राइट टर्न लिया उसने वेस्ट तो से राइट right टर्न यानी क्लाक क्या आता है नॉर्थ तो अब वो जाएगा नॉर्थ की तरफ और कितना चलेगा नॉर्थ की तरफ जाएगा और वो दोबारा से चलेगा टेन किलोमीटर्स और फाइनली एक और राइट टर्न लिखा है फाइनली टर्न्स राइट एंड गोज सिक्स किलोमीटर तो यहाँ से भी राइट right टर्न लेगा तो क्लॉकवाइज में देखो तो क्या आता है ईस्ट ठीक है ईस्ट की तरफ वो गया और कितना चला सिक्स तो यानी ये एक आपका रेक्टेंगल सा बन गया और ये पूरी कंप्लीट जो जर्नी है स्टार्टिंग पॉइंट भी वही था एंडिंग पॉइंट भी उसका हाउस ही था जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं पहुँच गया ठीक है तो एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन तो इसका क्या आंसर होगा कोई डिस्टेंस नहीं होगा कोई डायरेक्शन नहीं होगी आंसर है एट द स्टार्टिंग पॉइंट क्यों क्योंकि वो तो वहीं पे पहुंच गया तो इस क्वेश्चन में पर्सन नहीं है इस क्वेश्चन में रैट है और रैट रन ट्वेंटी मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ठीक है आपने सबसे पहले यहाँ पे बना लेनी है डायरेक्शन ट्वेंटी मीटर टुवर्ड ईस्ट तो ये आपको पता है ईस्ट डायरेक्शन है कितना उसने चला ट्वेंटी ये जो रैट है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट का ट्वेंटी मीटर चल गया उसके बाद उसने क्या किया एक राइट right टर्न लिया राइट right टर्न होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो so, अब वो यानी कि जाएगा साउथ की तरफ और कितना चलेगा टेन मीटर्स उसके बाद एक और राइट right टर्न लेगा साउथ जा रहा है राइट right टर्न लिया तो अगर आप क्लॉक से देखो तो वेस्ट डायरेक्शन बनती है और वो कितना डिस्टेंस चला वेस्ट जाके नाइन अगेन टर्न्स लेफ्ट अब उसने क्या किया लेफ्ट टर्न लिया वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था लेफ्ट टर्न यानी एंटी क्लॉक देखो तो क्या बनता है साउथ साउथ जा रहा है और फाइव मीटर्स उसने चला उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया और बारह मीटर चला तो साउथ से लेफ़्ट टर्न यानी एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट तो अब वो ईस्ट की तरफ जाने लग जाएगा और बारह मीटर चलेगा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अगर आपका नाइन मीटर यहाँ तक था तो बारह आपको इससे थोड़ा बड़ा बनाना है जब ये ट्वेल्व मीटर चल के यहाँ पहुँच गया फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रनस सिक्स मीटर अब दोबारा एक लेफ्ट टर्न लिया ईस्ट से लेफ्ट टर्न यानी एंटी क्लॉक वाइज नॉर्थ बनता है यानी वो कहाँ जा रहा है फाइनली नॉर्थ डायरेक्शन में और सिक्स मीटर चला आप ये सिक्स लिखो मत लिखो इस क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आपका फाइनल आंसर जो है नॉर्थ है तो इस वीडियो में भी मैंने एक ट्राई दिस योर सेल्फ क्वेश्चन रखा है इसको आप रीड कीजिए एक पुलिस मैन है वो पुलिस पोस्ट से निकल के पहले साउथ जा रहा है एंड देन वो कुछ टर्न्स लेगा लेफ्ट या राइट सो so आप ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए इसको ड्रॉ करके इसका आंसर जो है आपने फाइनल मुझे डायरेक्शन देनी है इन विच डायरेक्शन ही हैज़ टू गो टू रीच हिज पुलिस पोस्ट यानी इस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट से रेफरेंस देख के नहीं देखना है कि वो कहाँ पर है आपको देखना है कि जहाँ वो फाइनली पहुंचा वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने के लिए उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा नॉर्थ जाना पड़ेगा या साउथ या ईस्ट या वेस्ट सो so, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप मेरे को कमेंट करके आंसर बता सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच